करते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री पर हमला, बोले अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 3 अगस्त को पुणे में एक रैली में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। फडणवीस की नई चाल, वाजे के आरोपों पर देशमुख का जवाब। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अनिल देशमुख के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। शनिवार 3 अगस्त को सचिन वाजे ने देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास सबूत है कि अनिल देशमुख अपने पीए के माध्यम से पैसे लेते थे। देशमुख ने ये कहा कि फडणवीस द्वारा चली गई मेरी खिलाफ एक नई चाल है। देशमुख ने ये कहा कि सचिन वाजे भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। बढ़ती आबादी और सिकुड़ते संसाधन, गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। 18% विश्व जनसंख्या वाले भारत के पास केवल 2.5% भूमि और 4% जल संसाधन है। देश में 20 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार है और खेती योग्य भूमि घट रही है। देश में 16.3% आबादी कुपोषित है और 35.5% बच्चे अविकसित हैं। क्या है नजूल भूमि जिस पर कानून बनने से यूपी में मच रहा है कोहराम। देश में जब अंग्रेजों का शासन था तब वो विद्रोह करने वाले राजाओं को हराकर उनकी जमीन छीन लेते थे। देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने इस जमीन को खाली कर दिया, लेकिन राजाओं के पास इसके ओनरशिप साबित करने के लिए उचित कागजात नहीं थे। ऐसे में सारी जमीन नजूल भूमि के रूप में चिन्हित की गई और इसकी ओनरशिप राज्य सरकार के पास आ गई। सरकार इस जमीन को व्यक्ति या संस्था को लीज में देती है। बांग्लादेश में एक बार फिर बढ़का आरक्षण विरोधी आंदोलन, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया ऐप पर लगा बैन। बांग्लादेश में सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को ग्लोबलाइज न्यूज की तरफ से अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से इस बैन के बारे में जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि ये बैन अभी टेम्पररी तौर पर लगाया गया है। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, देखिए टॉप 10 ग्लोबल लीडर की लिस्ट। एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री की स्टारडम को पीछे छोड़कर ग्लोबल लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे हैं। ग्लोबल लीडर की ये रैंकिंग मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी की है। ये एक ग्लोबल फर्म है जो वैश्विक नेताओं के प्रमुख फैसलों पर नजर रखती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में बोले सीएम यादव, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का पूर्ण प्रयास होगा कि बच्चा स्कूल जाना बंद न करे और राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदिकाल से भारत का अपना विशेष चरित्र और आदर्श संस्कृति रही है, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ सभी के कल्याण की कामना हम करते हैं। हमारी व्यवस्था में एक गुरु की भूमिका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली रही है। कभी भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन आज भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। भारत के लिए पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 3 अगस्त 2024 को दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद ICAE की एक कॉन्फ्रेंस भारत में फिर से हो रही है और दुनिया के अलग अलग देशों से आप भारत आए हैं। भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और भारत की 30 मिलियन से ज्यादा महिला किसानों की तरफ से आप सभी का स्वागत है। सर आप मेरे MP हो वो फेक है, राहुल गांधी का विरोध करने वाले ने अब दी सफाई। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे। भूस्खलन से प्रभावित हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बताया गया कि वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विरोध किया गया है। विरोध कर रहे जिस युवक ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की आज उसने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में युवक ने बताया कि राहुल गांधी उसके परिवार की तरह हैं और जिस सोशल मीडिया चैनल ने वो वीडियो चलाया उसका उद्देश्य कुछ और था। मुस्लिम परस्त है बिग बॉस, खास समुदाय को विनर बनाने का लगा आरोप। बिग बॉस OTT3 की ट्रॉफी सना मकबूल ने अपने नाम कर ली है। 2 अगस्त की रात हुए ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड सुपरस्टार और सीजन के होस्ट अनिल कपूर ने उनके नाम का अनाउंसमेंट किया।
सना मकबूल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और उन्हें लोग डिजर्विंग विनर बता रहे हैं। हालांकि एक वर्ग बिग बॉस को मुस्लिम परस्त भी बता रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।